Assalamualaikum. What is switching? In computer science, switching means finding the best route for transferring data from sender to receiver, particularly in a large data. Switching का मतलब क्या है? Computer science में switching किसे कहते हैं? Switching मतलब क्या है? Switching means कि किसी भी large network में हम जब भी कोई data transfer करते हैं, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह data को transfer करते हैं, और data transfer करने के जो best route हम find out करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? This is called switching. इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज स्विच? स्विच इज अ डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग टेंपरेरी कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस लिंक्ड टू अ स्विच. एक ऐसी डिवाइस जो कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जो कि स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं उनके दरमियान क्या करते हैं? टेंपरेरी कनेक्शन को डेवलप करते हैं, टेंपरेरी कनेक्शंस क्रिएट करती है. मतलब ऐसी डिवाइस जिस डिवाइस के जरिए हम दो या दो से ज्यादा कनेक्शंस को हम स्विच के जरिए कनेक्ट करके आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड स्विच. एक ऐसी स्विच, ठीक है? और स्विचिंग का मतलब क्या है कि हम किसी भी नेटवर्क किसी भी लार्ज नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए जो बेस्ट रूट हम फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड स्विचिंग. ओके. स्विचिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स इन डिसाइडिंग द बेस्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन इफ देयर आर मल्टीपल पाथ्स इन अ लार्ज नेटवर्क. स्विचिंग का मतलब क्या है? कहते हैं स्विचिंग कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग हमें किस चीज़ की हेल्प करता है? स्विचिंग हम हेल्प आउट करता है बेस्ट रूट को फाइंड आउट करने में. जब भी हम कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम बेस्ट रूट जो फाइंड आउट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जिसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं स्विचिंग. इस सूरत में हम मतलब कि अगर हमारे पास एक लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक मल्टीपल एक बड़ा नेटवर्क है एक बड़े नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास एक बड़ा मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क इसमें हमारे पास मल्टीपल पाथ्स है. अब मल्टीपल पाथ्स में जो बेस्ट रूट जो हम फाइंड आउट करते हैं उस फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्विचिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इंटरनेट एंड देयर आर मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन देन स्विचिंग हेल्प्स डिजाइनिंग द बेस्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन. हमने इंटरनेट की एग्जाम्पल लिए कि लेट्स सपोज अगर आप इंटरनेट की एग्जाम्पल लेते हैं तो इंटरनेट की एग्जाम्पल अगर हम आपके पास लेट्स सपोज इंटरनेट की एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं डेटा ट्रांसफर या डेटा इंटरनेट यूज करने के लिए आपके पास वहाँ पर डिफरेंट पाथ्स हैं मल्टीपल पाथ्स हैं. अब मल्टीपल पाथ्स में से स्विचिंग हमें हेल्प आउट करती है कि आप कौन सा बेस्ट रूट है जिसके जरिए आप अपना डेटा को ट्रांसफर कर सकें या आप किसी भी डिवाइस के साथ आप क्या कर सकें कनेक्ट हो सकें. मैं आपको एग्जाम्पल स्विचिंग का मतलब ये कि स्विचिंग हमारे पास ये डिफरेंट राउटर्स होते हैं जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इंटरनेट यूज़ करते हैं आप इंटरनेट में हम क्या करते हैं सिस्टम के साथ हम क्या करते हैं स्विच डिवाइस लगाते हैं, ठीक है? अब उस डिवाइस का मेन पर्पस की तो उस डिवाइस वो डिवाइस क्या करती है वो डिवाइस आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है. इस आईपी एड्रेस के जरिए आप डिफरेंट आप बाहर की जो दुनिया है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और वही डिवाइस आपको हेल्प आउट करती है कि आपके लिए किसी भी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं किसी के साथ भी आप डेटा ट्रांसफर सिस्टम के साथ डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपके पास बेस्ट रूट क्या है तो बेस्ट रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको जो हमें जो डिवाइस हेल्प आउट करती है दैट्स कॉल्ड स्विच. There are three typical switching techniques available in for digital traffic. हमारे basically three switching techniques हैं digital traffic के लिए जो हम use करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन से सबसे पहले हमारे पास है server switching, second हमारे पास packet switching और third हमारे पास message switching. ये three techniques हैं जो कि switching में use होती हैं. हमने three techniques को discuss करते हैं कि क्या किन किन जगहों पर कैसे कैसे काम करती है. सबसे पहले हमारे पास है server switching. What is server switching? A circuit switch network is made up of a set of switches connected by physical links in which each link is divided into n channels and number of channels. हमारे पास एक ऐसा network एक ऐसा network जो कि different physical links different switches के साथ आपस में connect है. एक ऐसा network जिसमें हमारे पास multiple switches लगे होते हैं उन multiple switches में हमारे पास different number of channels होते हैं जिसके जरिए जो सब पैसा आपस में connect होते हैं जिसके जरिए हम अपना data transfer करते हैं. In circuit switching, a dedicated path is established between sender and receiver.
स्विचिंग नेटवर्क में हमारे पास एक डेडिकेटेड पाथ होता है सेंडर रिसीवर के, मतलब जब डेटा को सेंड होता है सेंडर या रिसीवर को, सेंडर किसी भी डेटा को सेंड करते रिसीवर को, ठीक है, इन जब भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो इसके दरमियान क्या होता है, इसके दरमियान एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश होता है। जब डेडिकेटेड पाथ या कोई पाथ स्टेब्लिश होगा, स्टेब्लिश करने के बाद हमारे डेटा क्या होते हैं ट्रांसमिट हो सकते हैं। कहते हैं बिफोर डेटा ट्रांसफर कनेक्शन विल बी स्टेब्लिश फर्स्ट। किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं वॉइस टेलीफोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल स्विचिंग। सिंपल टेलीफोन एग्जाम्पल क्या है कि सिंपल टेलीफोन जो हम टेलीफोन घर में टेलीफोन यूज करते हैं या कोई मोबाइल यूज करते हैं, ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रल स्विचिंग की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द टेलीफोन कंपनी रिजर्व्स अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड पार्ट ऑफ नंबर यू आर कॉलिंग एंड ड्यूरिंग दिस टाइम नो वन एल्स कैन यूज दिस पार्ट। जैसे कि आप टेलीफोन से कोई कॉल मिलाते हैं या मोबाइल से कोई कॉल मिलाते हैं, जब भी आप कॉल मिलते हैं जैसे कॉल कर जैसे आप कॉल किसी के नंबर पर कॉल डायल करते हैं, डायल करने से क्या होता है, डायल करने से आपके एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश हो सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन कंपनी क्या करती है आपके लिए एक लाइन रिजर्व करती है, जैसे आप कनेक्शन मिलाते हैं कॉल मिलाते हैं, जैसे कॉल मिलती है तो आपकी एक लाइन टेलीफोन लाइन एक डेडिकेटेड पाथ से होते हैं एक रिजर्व हो जाता है, वो स्टेब्लिश होते हैं। जब तक आपका डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश है आप दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, जैसे आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है आपकी क्या होता है आप कॉल करना आप बात करना भी बंद करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम नो वन एल्स कैन यूज दिस पाथ। जब तक आपका पाथ स्टेब्लिश है कोई दूसरा बंदा आपकी टेलीफोन लाइन में को कनेक्ट नहीं कर सकता, जब तक आपकी लाइन बिजी है कोई दूसरा बंदा आपसे बात नहीं कर सकता। जैसे आपकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी कोई भी बंदा आकर उसको दोबारा कनेक्ट करके अपनी साथ आपके अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है टेलीफोन मोबाइल्स कनेक्शन, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है सर्किट स्विचिंग। डेटा इज सेंड ऑन सर्किट स्विचिंग इन थ्री फेसेस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेटअप फेस। जब भी आप सर्किट स्विचिंग में जब कोई भी डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, सर्किट स्विचिंग में कोई डेटा सेंड करिए डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारे पास थ्री फेसेस में ट्रांसफर होता है, ठीक है। डेटा ट्रांसमिट होता है वो ट्रांसमिशन कितने फेज में किए, थ्री फेसेस में, और इन थ्री फेजेस को हम सेटअप फेज भी बोलते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला फेज क्या है, हम कहते हैं द फर्स्ट फेज, उसमें क्या होता है द फर्स्ट फेज स्टेब्लिश अ सर्किट एंड दिस कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर। जब सबसे पहला फेज है वो क्या करते हैं वो सर्किट को स्टेब्लिश करते हैं, मतलब वो कनेक्शन को डेवलप करते हैं कनेक्शन क्रिएट करते हैं एंड दिस कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर। मतलब डेटा को ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं आप नंबर मिलाते हैं, मीन आप कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है द सेकेंड फेज ट्रांसफर डेटा। जब आपकी लाइन कनेक्ट हो चुकी है, जब आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है, उसके बाद क्या करते हैं सेकेंड फेज में आप क्या करते हैं डेटा को ट्रांसफर करते हैं। द थर्ड फेज डिसकनेक्ट सर्किट। थर्ड फेज में क्या होते हैं अब जब आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं सर्किट को डिस्कनेक्ट करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो रियल लाइफ में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि जब भी आप कोई कॉल मिलाते हैं तो कॉल मिलाने के लिए हमारे पास थ्री फेज होते हैं। पहले फेज के आप नंबर डायल करते हैं कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, जैसे नंबर डायल करते हैं आपकी कॉल कनेक्ट हो चुकी है तो ये हमारे पास पहला फेज। सेकेंड फेज क्या है ट्रांसफर डेटा, मतलब हम जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं चाहे हम बात करके करते हैं या कोई मैसेज कर जो भी बात करते हैं, तो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये हम इसकी एग्जाम्पल किया, मतलब हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है जब हमारी बात खत्म हो जाती है कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं। जब कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कौन से फेज में हमारे पास आते हैं थर्ड फेज, और इन थ्री फेजेस को हम क्या बोलते हैं थ्री फेजेस आर कॉल सेटअप फेज। ओके अब हम थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा डिटेल से बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आप सर्किट स्विचिंग की डायग्राम आप देखें, ओके ये सर्किट स्विचिंग है। अब इसमें हमारे पास क्या है लेट्स सपोज हमारे पास पूरा एक कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन में हमारे पास क्या है इस कनेक्शन में हमारे पास ये हमारे पास यूजर नंबर सेंडर है और ये हमारे पास के रिसीवर। अगर सेंडर रिसीवर के साथ कोई डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा वो एक क्या करेगा वो सबसे पहले कनेक्शन को स्टेब्लिश करेगा। अब देखिए कनेक्शन को स्टेब्लिश करने से पहले ही देखिए इसके बीच हमारे पास मल्टीपल स्विच लगे हुए, देखिए ये एक स्विच है दूसरा स्विच है तीसरा चौथा पांचवा छठा ये छह स्विच लगे हुए हैं। अब इन स्विचेस के थ्रू देखिए सबसे पहले कॉल कनेक्ट होती है एक स्विच के जरिए लोकल एक्सचेंज पर, यहाँ से देखें ये कनेक्ट होती है दूसरे स्विच के साथ, फिर तीसरा स्विच, फिर चौथे स्विच के जरिए जाकर ये कनेक्शन। तो मतलब सबसे पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होता है फिर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जब डेटा ट्रांसफर होगा तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से टर्मिनेट हो चुका। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं तो देखें आपके घर में आपके पास टेलीफोन सेट होते हैं, टेलीफोन सेट के साथ देखते हैं टेलीफोन सेट के साथ छोटी सॉकेट लगी होती है आप, ठीक है, जिसमें आप भी अपनी
जो बैकबोन सेट को कनेक्ट करते हैं वो RJ11 के साथ, RJ11 केबल के जरिए आप कनेक्ट करते हैं उस छोटी सी डिपी के साथ, और छोटी सी जो बॉक्स है डिपी से बनी थी दैट इज आल्सो कॉल्ड स्विच। फिर ये स्विच लगा होता है, ये स्विच है, इस स्विच से वायर निकलती है, वो सबसे जो तार होती है ब्लैक कलर की कॉक्सिल केबल होते हैं, वो केबल वहाँ से कनेक्ट होती है और जाकर आपकी घर के बाहर एक और बॉक्स छोटा सा बॉक्स होता है घर के बाहर लगा होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड स्विच, उसके साथ कनेक्ट होता है। फिर उस बॉक्स से एक और वायर आगे गई होती है आपकी स्ट्रीट में, एक पोल होता है, पोल के ऊपर एक और डिवाइस लगी होती है दैट डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड स्विच, वहाँ पर कनेक्ट होते हैं। फिर उस डिवाइस के जरिए वो केबल जाती है और जाकर सीधा आगे जाती है आपके आपके जो एरिया है, लेट्स आपका कोई भी एरिया है स्ट्रीट के बाहर जो आपका फेस है एरिया, वहाँ पर एक बॉक्स लगा होता है, बड़ा सा बॉक्स बना होता है दैट्स बिग बॉक्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्विच, वो वहाँ पर कनेक्शन होता है, वो बॉक्स जो कनेक्ट होता है आपके लोकल टेलीफोन एक्सचेंज के साथ कनेक्ट किया, और इस तरह ये पूरा सर्कल रिसीवर एंड पर होते हैं। तो मतलब सेंडर से लेकर रिसीवर के बीच में हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल स्विचेस लगे होते हैं, और इन स्विचेस के जरिए, इन तमाम स्विच के जरिए हम अपने क्या करते हैं, हम एक टेम्पररी कनेक्शन क्रिएट करते हैं, जिस कनेक्शन के जरिए हम क्या करते हैं आप इसमें डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास हमने स्विचिंग की, हमने स्विचिंग हमने कैसे डिफाइन किया था कि एक ऐसी डिवाइस जो कि टेम्पररी कनेक्शन क्रिएट करती है डिफरेंट स्विचेस को आपस में कनेक्ट करके, दैट इज कॉल्ड स्विच। और जब हम इन तमाम स्विचेस से सबसे जो इजिएस्ट वे, जो सबसे आसान रास्ता, बेस्ट रूट हम फाइंड आउट करके अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्विचिंग। अंडरस्टैंड? ओके, आगे जाते हैं। सर्किट स्विचिंग की हमारे पास एडवांटेज क्या है, सर्किट स्विचिंग एडवांटेज हमारे पास क्या है, सबसे पहले एडवांटेज क्या है, द कम्युनिकेशन चैनल वंस एस्टैब्लिश्ड इज डेडिकेटेड। जब भी आप कोई भी कॉल या आप कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं आप कोई भी कॉल किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो डेडिकेटेड पाथ आपके लिए एस्टैब्लिश हो जाते हैं। जब तक वो डेडिकेटेड पाथ बना हुआ है कोई भी बंदा उस लाइन को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती, उस कॉल के अंदर आकर आपसे आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो एक बड़ा फायदा है कि जब भी आप आपको किसी से बात करनी पड़ती है तो बात करने के बीच में क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश करते हैं, जब वो डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश हो जाता है तो आप आसानी से अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या एडवांटेज है सर्किट स्विचिंग के, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है कि पॉसिबल लॉन्ग वे टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन 10 सेकंड्स मोर देन लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल कॉल्स ड्यूरिंग व्हिच नो डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। अब ये भी ड्रॉबैक तो उसका है, मतलब कि आप जब एक दफा किसी के साथ कॉल कनेक्ट कर लेते हैं, किसी के साथ अपने टेलीफोन पर या मोबाइल पर कॉल कनेक्ट कर लिए, तो अब कॉल कनेक्ट करने के बाद आपकी मर्जी है कि आप एक मिनट की बात करते हैं, दो मिनट की, तीन मिनट की या एक घंटे की बात करते हैं, या जितनी भी लंबी आप कॉल करना चाहते हैं। तो इससे क्या, अगर कोई दूसरा बंदा आपसे बात करना चाहता है तो वो तब तक बात नहीं कर सकता जब तक आपकी जो ये आपकी जो कॉल है डिस्कनेक्ट ना हो जाए। जब तक कॉल कनेक्ट है कोई दूसरा बंदा आपसे बात नहीं कर सकता जब तक आप कॉल डिस्कनेक्ट ना कर लें। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि अगले बंदे को वेट करना पड़ता है, अब वो वेट एक मिनट का भी हो सकता है और एक घंटे का भी हो सकता है, तो ये ड्रॉबैक में आता है इसका। दूसरा ड्रॉबैक है मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर स्विचिंग टेक्निक्स बिकॉज़ अ डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कनेक्शन। ये क्या कि मतलब ये कहते हैं कि दूसरी स्विचिंग टेक्निक से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इसलिए कि इसके लिए हर एक डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप लाजिम बात है अगर आप इससे बात करना चाहते हैं मोबाइल पर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक सिम परचेज करते हैं, एक कनेक्शन आप कनेक्शन परचेज करते हैं, कनेक्शन परचेज करने के बाद आप फिर बातचीत कर सकते हैं। अगर आप टेलीफोन सेट लगाते हैं टेलीफोन के लिए क्या करते हैं, टेलीफोन के लिए भी आपको एक एक्सचेंज से अपना टेलीफोन नंबर परचेज करना पड़ता है, टेलीफोन नंबर के लिए आपके लिए पूरा एक डेडिकेटेड पाथ, एक पूरी लाइन आपके लिए लाइन आप डालकर आपको कनेक्ट कर दी जाती है, वो लाइन सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक आपको दी जाती है जिसके जरिए आप आपस में दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, दूसरी टेक्निक है स्विचिंग में, दैट इज कॉल्ड मैसेज स्विचिंग। व्हाट इज मैसेज स्विचिंग? विद मैसेज स्विचिंग देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन टू स्टेशन। अच्छा, मैसेज स्विचिंग में हम दो स्टेशन के बीच में किसी भी किस्म का डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती। In message switching, rather than sending data into packets, the whole message is sent and received by the system. अच्छा, message switching में बजाय इसके कि आप data को send करते हैं packets में, इसमें क्या होता है कि आपके पास complete एक message send होता है system के जरिए, आप complete एक message को send कर सकते हैं किसी भी दूसरे send receiver को, ये जिसको आप send करना चाहते हैं दूसरे system को आप send कर सकते हैं
पूरा होल मैसेज, यहाँ पर आप मैसेज को पार्ट्स में सेंड किया जाता है, कंप्लीट मैसेज को सेंड किया जाता है मैसेज स्विचिंग में। बिफोर एडवांसमेंट पैकेट स्विचिंग द मैसेज स्विचिंग वर इंट्रोड्यूस, कहते हैं पैकेट स्विचिंग से पहले हमारे पास क्या था, मैसेज स्विचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। Here the data is sent and is brought if the receiver is busy and sent off it gets free. अच्छा इसमें होते क्या कि जब भी आप मैसेज स्विचिंग में किसी भी मैसेज को या किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो किस फॉर्म में सेंड होता है, वो मैसेज की फॉर्म में सेंड, मैसेज की शेप में सेंड, कंप्लीट मैसेज सेंड होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेंड होती है, बजाय इसके कि छोटे छोटे पैकेट सेंड हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेंड होती है। तो कहते हैं कि अब जब भी कोई भी सेंडर रिसीवर को जब एक मैसेज सेंड करता है या मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो वो मैसेज जब तक सेंडर को ट्रांसमिट ना हो जाए, उसको रिसीव ना हो जाए, तब तक कोई दूसरा बंदा उसको मैसेज सेंड नहीं कर सकता। एक मैसेज सेंड हो जाएगा, एक मैसेज कंप्लीट सेंड हो जाएगा, रिसीवर को रिसीव हो जाएगा, उसके बाद दूसरा यूजर मैसेज को सेंड करेगा, तब तक दूसरे तमाम यूजर्स को वेट करना पड़ेगा इसमें। Each node receives the entire message, stored in its disk, and then transmits the message to the next node. इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जब भी आप कहते हैं, जब भी आप एक एक पूरे नेटवर्क में जब आप मैसेज सेंड करते हैं मैसेज सर्च स्विचिंग में, तो इसमें जब आप एक मैसेज को सेंड करते हैं तो वो एक डिफरेंट नोड्स के जरिए होकर अगर ट्रांसमिट होता है, तो जब एक नोड कोई भी एक बीच में नोड या एक कोई स्विच जब उस मैसेज को रिसीव करते हैं, तो जब तक वो क्या करेगा, सबसे पहले कंप्लीट मैसेज को रिसीव करेगा, जब उसे पूरा मैसेज रिसीव हो जाए उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो अपने नेक्स्ट नोड को आगे फॉरवर्ड करते हैं। जब नेक्स्ट नोड को वो कंप्लीट मैसेज मिल जाएगा, जब वो उसको रिसीव हो जाए, फिर वो आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। और ये जितने भी मैसेज नोड्स में डिफरेंट सेंड होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके आपके डिस्क में स्टोर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। इस टाइप के नेटवर्क को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोलते हैं। अब इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। और इस मैसेज स्विचिंग में आपको ये भी बता दूँ, इस मैसेज स्विचिंग में जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन की जो टेक्निक यूज होती है, दैट इज आल्सो का जो मैकेनिज्म यूज होता है, वो हमारे पास मैकेनिज्म को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म भी बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन की मैसेज स्विचिंग में। Message switching has largely been replaced by packet switching, but the technique is still employed in military networks and satellite communication networks. कहते हैं आजकल message switching को ज्यादा replace करिए, message switching के बजाय आजकल जो technique use हो रही है switching में, वो हमारे पास ज्यादा use हो रही है packet switching। But ये कहते हैं ये जो technique है, ये still हमारे पास military networks में और satellite communication networks में अभी भी ये use हो रही है। मैं आपको एक example देता हूँ। And it is not suited for streaming media and real-time applications. और ये हमारे पास streaming media और real-time transmission के लिए suited या उसके लिए इसकी ज़्यादा suited नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर example दी गई है कि military networks में या satellite communication network में हमारे पास ये message stream use होते हैं। Military में मैं आपको example दूँ walkie talkie की, ठीक है। walkie talkie अगर आपने देखी हो तो walkie talkie में क्या है, जब आप एक भी दफ़ा बात करते हैं, ठीक है, तो बात करने की बात क्या करते हैं, हम जब बात करते हैं तो जब आपका बात एक दफा बोलते हैं तो वो सेंड हो जाती है, जब सेंड होती है रिसीवर को रिसीव हो जाती है, तो रिसीवर जब तक वो पूरा मैसेज इंफॉर्मेशन उसको रिसीव नहीं हो जाती, तब तक वो दूसरी दफा वहां से मैसेज सेंड नहीं कर सकता। जब उसको मैसेज रिसीव हो जाता है, मैसेज रिसीव होने के बाद वो क्या कहते हैं, ओवर। ओवर का मतलब है उसको एक साइन देते हैं, एक साइन देते हैं कि हम मेरा मैसेज कंप्लीट हो गया। उस कंप्लीट होने के बाद फिर जो रिसीवर है वो दोबारा अपनी मैसेज सेंड करते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है मैसेज स्विचिंग की, क्योंकि मैसेज स्विचिंग में हमारे पास पूरी होल इन्फॉर्मेशन एक ही वक्त में सेंड होती है। इसी वजह से ये जो हमारे पास मैसेज स्विचिंग है, ये हमारे पास कहते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन, जितने भी स्ट्रीमिंग मीडिया है, मतलब आप यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब में आप जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं, या आप इंटरनेट पर कोई भी ट्रांसमिशन देखते हैं, रियल टाइम में आप कोई ट्रांसमिशन देखते हैं या एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसमें एप्लीकेशन इसमें मैसेज स्विचिंग यूज नहीं हो सकती। मैं आपका डायग्राम के जरिए आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये ऊपर ये नीचे मैसेज नंबर वन है, ऊपर मैसेज नंबर टू है। मैसेज नंबर वन देखें, ये रेड एरोस को रिप्रेजेंट कर रही है, और मैसेज नंबर टू जो वो ब्लैक एरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये ए हमारे पास सेंडर है और एच हमारे पास रिसीवर है। जब ए से कोई मैसेज सेंड करता है एच को, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए से दूसरे इस नोड में जाएगी, ए से बी नोड में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से ई में, ई से जी में। जब ए से बी नोड को मैसेज सेंड होगा, ठीक है, ये बी क्या करेगा, जब तक इसको कंप्लीट मैसेज सेंड नहीं हो जाता, रिसीव नहीं हो जाता, कि आगे फॉरवर्ड नहीं करता, तो सबसे पहले ये होल मैसेज को रिसीव करेगा,
फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। इसी तरह सी सबसे पहले होल मैसेज को रिसीव करेगा फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, ई होल मैसेज को रिसीव करेगा फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, जी क्या करेगा होल मैसेज को रिसीव करेगा फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। अब जी के पास मैसेज स्टोर होगी बट आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, इसलिए फॉरवर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ पर नीचे जो मैसेज नंबर वन है ये देखिए ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये ए से बी में सेंड हुआ है, बी से डी में, डी से एफ में, एफ से जी में, जी से एच में। अब मैसेज नंबर टू वेट कर रहा है मैसेज नंबर वन वन का, अब यहाँ पर मैसेज नंबर टू ब्लॉक हो चुका है। जब तक अगर जब तक मैसेज नंबर वन पूरा सेंड हो नहीं जाता तब तक मैसेज नंबर टू सेंड नहीं हो सकता। तो ये इसमें जितने भी मैसेज हैं सबसे पहले हर एक नोड में पहले स्टोर होते हैं फिर फॉरवर्ड होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। हम इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म या स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी बोलते हैं। इस टेक्निक को जो मैंने आपको बताया हम स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। ठीक है, एडवांटेज के देखते हैं मैसेज स्विचिंग एडवांटेज हमारे पास क्या है। सबसे पहले एडवांटेज के पास क्या है, मैसेज प्रायोरिटीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स। इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक की वजह से हर एक मैसेज को प्रायोरिटी दी है, तो ये हमारे पास एडवांटेज है। मतलब अगर मैसेज नंबर टू सेंड हो रहा है तो जब तक मैसेज नंबर टू सेंड नहीं हो जाता मैसेज नंबर वन सेंड नहीं हो सकता, तो मैसेज नंबर वन को वेट करना पड़ता है जब तक वो मैसेज नंबर टू सेंड ना हो जाए, वो वन क्या करेगा उसका वेट करेगा, मतलब एक मैसेज जब तक सेंड नहीं हो जाता दूसरा उसका वेट करता है। तो ये किसकी वजह से, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक की वजह से कि जब तक ये मैसेज कंप्लीट सेंड नहीं हो सकता तो दूसरा मैसेज का वेट करेगा। ये हमारे पास एक एडवांटेज है। इसके ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस कौन से हमारे पास, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइस इज एक्सपेंसिव बिकॉज दे मस्ट हैव लार्ज डिस्क टू होल्ड पोटेंशियली लॉन्ग मैसेजेस। इसमें हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड जो डिवाइस है हमारे पास एक्सपेंसिव होती है क्योंकि हर एक डिवाइस के लिए उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है, क्योंकि जब एक मैसेज रिसीव होता है ठीक है एक नोट से नोट में रिसीव होते हैं तो रिसीव होने के लिए जब तक हमारे पास कंप्लीट मैसेज रिसीव नहीं हो जाए उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता। तो अब मैसेज की लेंथ कितनी है, मैसेज की लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि उसके लिए हमें कि ऐसा नोट चाहिए होता है कि जो कि मतलब लॉक स्पेस को कवर भी कर सके, मतलब लॉक स्पेस वो भी कर सके, मतलब अपने पास इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई भी कर सके। थर्ड टेक्निक है हमारे पास पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या कहते हैं, द इंटरनेट इज अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। इंटरनेट हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है पैकेट स्विच नेटवर्क की, और इंटरनेट को हम पैकेट स्विच नेटवर्क भी बोलते हैं। इन पैकेट स्विचिंग अ मैसेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। मैसेज स्विचिंग में हमारे पास जो भी मैसेज होते हैं वो हमारे पास स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो जो स्मॉल पार्ट्स हैं मतलब एक मैसेज है लेट्स सपोज इट्स कंपोज्ड ऑफ फाइव नंबर्स 1, 2, 3, 4 and 5। जब हम इस मैसेज को डिवाइड करते हैं तो ये फाइव पार्ट्स पे डिवाइड हो जाते हैं। मुझे फाइव पार्ट्स है लेट्स सपोज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। ये फाइव पार्ट्स हैं, दिस फाइव इंडिविजुअल पार्ट्स आर कॉल्ड पैकेट्स। किसी भी मैसेज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पैकेट। हियर ईच पैकेट इज सेंट इंडिविजुअल। इस स्विचिंग टेक्निक में हम जब मैसेज ट्रांसफर करते हैं, कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो वो हमारे पास पैकेट्स की शेप में पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। उसमें हमारे पास हर एक इंडिविजुअल पैकेट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ईच पैकेट विल हैव सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विद सीक्वेंस नंबर्स। हमारे पास पैकेट स्विचिंग में हर एक पैकेट का अपना एक सोर्स और अपने डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, मतलब हर एक पैकेट का अपना आईपी एड्रेस होता है जिसके जरिए वो अपने डेस्टिनेशन पर उसको सेंड कर सकते हैं, और हर एक पैकेट के उसके पास अपना एक उसका सीक्वेंस नंबर भी होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस के साथ हर एक पैकेट का अपना सीक्वेंस नंबर होता है जिन नंबर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि सीक्वेंस नंबर हेल्प टू रिसीवर टू। अब सीक्वेंस नंबर का मेन फायदा क्या है, मतलब हर पैकेट है, हर पैकेट का अपना आईपी एड्रेस तो है, अपना उसका सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है। अब हर एक आईपी एड्रेस के साथ साथ उनका अपना सीक्वेंस नंबर भी है। अब सीक्वेंस नंबर का मेन फायदा क्या है, उसका मेन बेनिफिट क्या है, सीक्वेंस नंबर बेसिकली हेल्प आउट करता है रिसीवर को। रिसीवर को क्या हेल्प आउट करता है, सबसे पहले क्या करता है, रीऑर्डर पैकेट। ठीक है, जब रिसीवर कोई मैसेज रिसीव करते हैं तो डिफरेंट पैकेट्स में होते हैं, और पैकेट्स जब रिसीव होते हैं तो लेट्स सपोज वहां से सेंड हुए थे 1, 2, 3, 4, 5 की शेप में, जब रिसीव हुए
तो 1, 2, 3, 5, 4 की शेप में हो गए, मतलब सीक्वेंस चेंज हो गए। तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस नंबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन पैकेट्स को दोबारा रीऑर्डर करके दोबारा उसको रीअरेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, डिटेक्ट मिसिंग पैकेट्स। उसमें अगर लेट्स सपोज सीक्वेंस नंबर के जरिए ये पता चल सकता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने आपको 5 नंबर सेंड किए, ठीक है, हर एक नंबर का नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5। जब आपको 5 पैकेट्स या 5 नंबर रिसीव होते हैं तो उसमें आपको रिसीव होते हैं 4। अब 4 में कौन कौन सा रिसीव हुआ है, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। जबकि आपने उनको नंबर लगाए हुए, ये नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर। अब 1, 2, 3 और 5 रिसीव हुआ है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप पास 4 नंबर क्या है मिसिंग है। तो आप इसमें इजीली मिसिंग जो मिसिंग पैकेट्स हैं उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंड एक्नॉलेजमेंट्स, और फिर क्या करते हैं रिसीवर क्या करते हैं, उन जब पैकेट्स रिसीव होते हैं उसको रीऑर्डर करते हैं। रीऑर्डर करने के बाद वो देखते हैं इसमें कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं है। अब सीक्वेंस नंबर से की मदद से हमने उसको रीऑर्डर भी किया, ठीक है। सेकंड, हमने उसमें से मिसिंग पैकेट को भी डिटेक्ट किया है, अगर 4 नंबर का मिसिंग पैकेट तब हम उसको एक्नॉलेज करते हैं ताकि वो रिटर्न सेंडर किया उसको दोबारा री ट्रांसमिट कर सके, ताकि हमारा जो मैसेज है वो हमें कंप्लीट में रिसीव हो जाए। इस पैकेट हैव अ मैक्सिमम डिफाइंड लेंथ एंड दे कैन बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ डिस्क, ठीक है। हर पैकेट की अपनी मैक्सिमम डिफाइंड लेंथ के पैर उसकी डिफाइंड लेंथ है, तो उसका उसका साइज क्या होगा, ठीक है। और पैकेट स्विचिंग में हमारे पास जितने भी पैकेट रिसीव होते हैं वो जो स्पेस एक्यूपाई करते हैं, वो स्पेस कहाँ एक्यूपाई करते हैं, वो आपकी स्पेस एक्यूपाई करते हैं मेन मेमोरी में बजाय कि डिस्क। जैसे कि पीछे आपने मैसेज स्विचिंग पढ़ा, तो मैसेज स्विचिंग में जो स्पेस एक्यूपाई होती है वो स्पेस कहाँ एक्यूपाई करते हैं, वो आपकी डिस्क में स्पेस एक्यूपाई करते हैं। जबकि पैकेट स्विचिंग में हम जो स्पेस एक्यूपाई करते हैं वो हम स्पेस एक्यूपाई करते हैं कहाँ, आपकी मेन मेमोरी में, तो आपकी रैम में बजाय इसके कि आप हार्ड डिस्क में स्पेस एक्यूपाई करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली पैकेट स्विचिंग हैज टू अप्रोचेस। जब भी पैकेट स्विचिंग में हम जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस यूज होती है, ठीक है। दो अप्रोचेस आपने कोई पैकेट स्विचिंग में ये बता दिया गया है कि जब भी पैकेट स्विचिंग में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट सेंड, मतलब कि एक बड़े मैसेज को इन्फॉर्मेशन को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। अब जब डेटा ट्रांसफर होता है तो टू फॉर्म्स में, टू अप्रोचेस में डेटा ट्रांसफर होता है। पहली अप्रोच हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड डेटाग्राम अप्रोच। Second approach we have virtual circuit approach. Now let's discuss what is datagram approach. Then how to data send in datagram approach. Datagram packet switching is also known as connectionless switching. Datagram packet switching को हम connectionless switching भी बोलते हैं, मतलब ऐसी switching technique जो कि किसी भी physical पाथ के बगैर, किसी भी फिजिकल या नेटवर्क पाथ के बगैर जब हम डेटा को सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्शनलेस स्विचिंग। मतलब उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, वो कनेक्शनलेस, दैट इज कॉल्ड कनेक्शनलेस स्विचिंग। ईच इंडिपेंडेंट एंट्री इज कॉल्ड एज डेटाग्राम। डेटाग्राम क्या किसे कहते हैं, हर जो हमारे पास इंडिपेंडेंट एंट्री है, मतलब हमारे पास एक मैसेज है आपको ने उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, जो स्मॉल पार्ट्स हैं, ठीक है, स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं, पैकेट। इन ही पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, इन पैकेट्स को हम बोलते हैं डेटाग्राम्स। तो कहते हैं ईच इंडिपेंडेंट एंटिटी, जो ईच इंडिपेंडेंट हमारे पास जो पार्ट है, ईच इंडिपेंडेंट जो हमारे पास पैकेट है, दैट इज कॉल्ड डेटाग्राम। इन स्मॉल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डेटाग्राम। डेटाग्राम्स कंटेन डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन एंड देयर एंड द इंटरमीडिएट डिवाइसेस यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फॉरवर्ड डेटाग्राम टू राइट डेस्टिनेशन। हर एक डेटाग्राम का अपना अपना डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन एड्रेस होता है, ठीक है। हर डेटाग्राम के पास उसका उसकी डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब उस डेटाग्राम को किस डेस्टिनेशन पर ट्रांसमिट होना है, ठीक है। और जितनी भी हमारे पास इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है। जो कहते हैं कि हर जितनी भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्या करते हैं, उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पर, उसको राइट डेस्टिनेशन पर सेंड करते हैं। मतलब जो उसका ओरिजिनल मकाम है, उसकी जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है, वो इस इंफॉर्मेशन के जरिए उसको उसके डेस्टिनेशन पर सेंड करते हैं। किस इंफॉर्मेशन का सारा लेकर हुआ, उसकी जो डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन है, मतलब कि हर एक पैकेट है, हर एक पैकेट का अपना आईपी एड्रेस है। अब
जितनी भी इंटरमीडिएट डिवाइस है, मतलब जितने भी स्विचेस हैं, वो क्या करते हैं, वहां से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक पैकेट आ रहा है, पैकेट को देखते हैं भाई इस पैकेट का एड्रेस क्या है, उस पैकेट का एड्रेस फॉर एग्जाम्पल है, उस पैकेट का एड्रेस है जो भी इसको उसका जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को रीड करते हैं, तो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं उसी आईपी एड्रेस पर जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। क्लियर हो गया? इन डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग अप्रोच द पाथ इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, ये आप देखें कि जितने भी हमारे पास डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग है अप्रोच है, इसमें आपका कोई पाथ फिक्स नहीं होता, मतलब कोई रास्ता आपका जो मेन पाथ है, जो मेन वे है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थोड़ी ये लाइन देख लिया, एन इंटरमीडिएट नोड्स टेक्स द राउटिंग डिसीजन टू फॉरवर्ड द पैकेट्स। और जितने भी हमारे पास इंटरमीडिएट नोड्स क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि इस वो डिसीजन लेते हैं कि इस पैकेट को किस पाथ के जरिए आगे फॉरवर्ड किया जाए, मतलब इस पाथ, मतलब जब कोई भी किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड करना होता है तो हमारे पास जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो ये हमारे पास जो पैकेट है इसको किस रास्ते से आगे डिलीवर किया जाए, मतलब इसके कौन सा रास्ता डिलीवर किया जाए। जैसे रेल लाइफ में हम क्या करते हैं, रेल लाइफ में आप जाना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं अपने होम से यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप रहते हैं सिटी साइड पर, अब सिटी साइड से जब आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी लेट्स सपोज आपके हैदराबाद में। ठीक है, अब हैदराबाद में आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आप जब घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के लिए आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस रास्ते से जाना है, आया आपको जिट रोड से जाना है, आया आप रिंग रोड के जरिए ट्रांसफर जाना चाहते हैं, या आया आप कोई और रास्ते के जरिए जाना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बेस्ट रूट फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट रूट कौन सा है, और बेस्ट रूट आप वही फाइंड आउट करेंगे जिसमें आपका टाइम कम लगे, जिसमें आपकी कॉस्ट कम यूज हो। ठीक, कॉस्ट भी कम लगे, तो आप जो सबसे बेस्ट रूट जो यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें जो अब देखिए इसके आपके पास यूनिवर्सिटी जाने के थ्री पाथ्स हैं, तीन रास्ते हैं, अब तीन रास्तों से कोई आप जो चूज करेंगे, जो चूज करेंगे लाजिम बात है वो सबसे बेस्ट वे होगा जो कि आपको जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचाया जाए, जिस पर आपका खर्चा भी कम है, आपका टाइम भी कम लगे। तो क्या कहते हैं, इसी में जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि पैकेट्स को किस रूट के जरिए आगे सेंड किया जाए। मैंने आपको ये पीछे बात की है कि डेटाग्राम अप्रोच द पाथ इज नॉट फिक्स्ड। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस डायग्राम के जरिए। भाई डायग्राम देखिए आप, ये एक नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास है डेस्टिनेशन। अब आपके पास लेट्स सपोज आप एक मैसेज को सेंड करना चाह रहे हैं, ये फोर पार्ट्स में, इसके फोर पैकेट्स हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जब ये मैसेज सेंड करते हैं आप सोर्स और डेस्टिनेशन पर देखें, तो ये यहाँ से सेंड होगा इस नोड के जरिए, स्विच के जरिए, स्विच के जरिए सेंड हुआ, ये 1, 2, 3, 4, ये फोर पैकेट सेंड हुए। जब फोर पैकेट सेंड हो रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि इसमें हर एक पार्ट, हर एक जो पैकेट है, ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ के जरिए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं हियर इन पैकेट स्विचिंग पाथ इज नॉट फिक्स्ड, मतलब पैकेट स्विचिंग में, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में हर एक नोड का, हर एक पैकेट का अपना पाथ फिक्स नहीं होता। वन इस रास्ते के जरिए जा रहे हैं, 1, 3 यहाँ से जा रहे हैं, 2, 4 वहां से जा रहे हैं, ताकि 4 यहाँ से होकर ट्रांसमिट हो रहा है, 2 इस रास्ते से होकर ट्रांसमिट हो रहा है, 3 ऐसे जा रहा है, 1 ऐसे जा रहा है। तो देखिए ये चारों पैकेट्स डिफरेंट डिफरेंट वे से डिफरेंट डिफरेंट पाथ को चूज करके आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। जब आगे जाकर ये इस नोड से ट्रांसफर होके आगे स्विच के पास आएंगे, ठीक है, तो ये चारों सेंड हो गए। ठीक है, अब देखिए जब ये चारों रिसीवर ने जब इसको रिसीव किया, तो देखिए अब यहाँ पर देखें, अब जो ये मैसेज रिसीव हुआ है, ठीक है, ये पैकेट स्विच के जो मैसेज रिसीव हुआ है, अब देखिए इसके जो ये नंबरिंग है, इनका जो सीक्वेंस नंबर, ये चेंज हो चुके हैं। पहले 4 रिसीव हुआ है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर क्या करता है, स्विच डिवाइस के जरिए क्या करता है, इन सीक्वेंस नंबर, अब देखिए इस ऊपर ये चार नंबर है ना, ये इनके सीक्वेंस नंबर हैं, तो इन सीक्वेंस नंबर के जरिए क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, उसको रीऑर्डर करेगा। रीऑर्डर किया, देखिए रीऑर्डर करने के बाद देखिए 1, 2, 3, 4 रीऑर्डर करके फिर इसको रिसीव करेगा। ठीक है, और रीऑर्डर करने के बाद देखिएगा इसमें कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं है, देखिए इसमें कोई पैकेट मिसिंग है, अब इसमें पैकेट मिसिंग नहीं है, उसको एक्नॉलेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये किसने क्या किया, इसने यहाँ पर जब रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करेगा तो क्या करेगा, इन सीक्वेंस नंबर के जरिए इसको रीऑर्डर करके अपने पास रिसीव करेगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग की। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग में हमारे पास जो पहले अप्रोच थी, हमारे पास थी डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग अप्रोच, जिसमें हमारे पास डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, जब मैसेज सेंड होता है तो पैकेट के जरिए होते हैं, और ये डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट पाथ चूज करके आगे
फायर होता है, इसलिए इसमें इनका पाथ कोई फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल सर्किट अप्रोच। अब वर्चुअल सर्किट अप्रोच में क्या काम होता है, कहते हैं इन वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इज आल्सो नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। अब इस स्विचिंग को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग को हम कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग भी बोलते हैं। लेकिन जैसे इसके नाम से जाहिर होता है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, एक तो था हमारे पास था सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या कहा था, सर्किट स्विचिंग में हमारे पास एक डेडिकेटेड पॉल एस्टेब्लिश हुआ था। अब जो डेडिकेटेड पॉल जो हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ था उसके लिए हमारे पास फिजिकल लाइन थी, जैसे टेलीफोन सेट। अब जब टेलीफोन कनेक्शन आप घर में लगाते हैं उसके लिए आपके पास फिजिकल कनेक्शन की जरूरत होती है। फिजिकल कनेक्शन में फिजिकल वायरिंग के जरिए आप उसको क्या करते हैं, उस पाथ को एस्टेब्लिश करते हैं, उस लाइन को कनेक्ट करते हैं। तो उस लाइन के जरिए आप डिफरेंट टेलीफोन बाय डिफरेंट डेटा अपना ट्रांसफर या डिफरेंट कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग में हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनेट की। अब जब इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट में हमारे पास ज्यादातर हम आज का सिस्टम यूज करते हैं, उसमें हमारे पास वायरलेस भी है, हमारे पास फिजिकल पाथ भी है। अब जो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब आप एक ऐसा कनेक्शन बनते हैं जो कि वर्चुअल कनेक्शन हमारे पास एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग। वर्चुअल का मतलब क्या, ये चीज कनेक्ट हुई है बट हमें नजर नहीं है। इन द केस ऑफ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग अ प्री प्लान्ड रूट इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द मैसेज आर सेंट। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में जब भी आप किसी भी मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, मैसेज को सेंड करने से पहले आप क्या करते हैं, एक प्री प्लान रूट एस्टेब्लिश करते हैं तो जिसके जरिए आप मैसेज को सेंड करते हैं। और मैसेज सेंड करने से पहले आपको प्री प्लान रूट को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट्स आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जब भी आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, सेंडर से रिसीवर में कोई भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं, कोई ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन करने से पहले आप कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट्स यूज करते हैं। मतलब कि सबसे पहले अब ऐसे पैकेट्स, सबसे पहले आप उसको कॉल रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कॉल डायल करते हैं। जब कॉल डायल करते हैं, जब कॉल डायल होने के बाद जब रिसीवर उस कॉल को रिसेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद जब कॉल एक्सेप्ट हो जाती है, तो एक्सेप्ट होने के बाद क्या होती है, वो आपकी कॉल क्या है, वो आपकी पाथ क्या है, वो जो लाइन एस्टेब्लिश हो जाती है, आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होने के बाद आप इसमें डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इन दिस अप्रोच द पाथ इज फिक्स्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ लॉजिकल कनेक्शन। इस अप्रोच में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पाथ है वो लॉजिकल कनेक्शन के दौरान वो पाथ क्या होता है, वो फिक्स होता है। जब तक आप कॉल कनेक्ट है आपका पाथ क्या होता है, आपको फिक्स रहता है, आपकी कनेक्शन फिक्स रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम इंटरनेट यूज करते हैं, अब इंटरनेट बिग एग्जाम्पल हमारे पास पैकेट स्विचिंग है, ठीक है। हम जितने भी इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है डेटाग्राम डेटाग्राम अप्रोच, ठीक है। जितने भी डेटाग्राम सर्वर अप्रोच है हमारे पास जो हम ब्राउजिंग में रखा था, हम ये अगर लेट्स सपोज हम कोई कॉल कनेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज ईजीएस्ट एग्जाम्पल व्हाट्सएप की, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप फेसबुक पर कोई कॉल करते हैं, मैसेंजर पर कोई कॉल करते हैं, आप वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करने के लिए ये करते हैं, या व्हाट्सएप पर कोई वॉइस कॉल करते हैं, या ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, तो इन सोशल नेटवर्क से आप कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, एक कॉल डायल करते हैं, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ये कनेक्शन आपके पास बेसिकली वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, वर्चुअल लाइन या लॉजिकल कनेक्शन डेवलप कनेक्शन इस्टेब्लिश होती है। जब आपके पास ये वर्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तब आप इसमें बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल सर्किट अप्रोच। इसके अगर आप डायग्राम देखें, तो डायग्राम इसमें क्या देखें, लेट्स सपोज अगर ए डी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट नोड्स हैं, और डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, इसके लिए भी लॉजिकल क्या करते हैं, एक लॉजिकल एक डेडिकेटेड पाथ क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। जब ये पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है, तो आप इस पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर पाथ इस्टेब्लिश नहीं है, तो आप इसमें आपस में कम्युनिकेशन या कोई भी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, ये थी हमारे पास थ्री स्विचिंग टेक्निक्स। जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप उसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।